हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। दोस्तों, जिसका था हम सभी को इंतज़ार, अब वो घड़ी आ चुकी है। अब टेस्ट देने की बारी आ चुकी है और आज का जो टेस्ट है वो मैंने पहले भी अनाउंस कर दिया है, यहाँ भी बता देता हूँ। अभी का जो टेस्ट होने वाला है वो है EVS का, और उसमें कंटेंट वाला उससे टेस्ट होगा। पैडागोजी का भी नहीं ले रहे, वो भी लेंगे, धीरे धीरे सब लेंगे। और आपने तो नोटिस पढ़ ही लिया होगा या वीडियो भी बनाया था, प्लेलिस्ट में है एक्स्ट्रा एक्टिविटी में, कि सीटेट ने जो बड़े बदलाव किए हैं वो बदलाव भी आप तक पहुंच ही गया होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी हमसे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन बैच में या ऑनलाइन बैच में भी, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जितने भी बदलाव किए हैं ना, वो जितना भी सिलेबस रखा है ना, वो मुझे आता है, कई बार हम पढ़ा चुके हैं। इस तरह रीजनिंग वगैरह की बात करें तो UDC लेवल तक का भी हमको आता है, मतलब कहीं प्रॉब्लम नहीं है भाई। कंप्यूटर से पूछेगा ना तो इंजीनियर हैं, कोनो सिंपल ये वाला नहीं है कि इंटर कर लिए, आर्ट से BA कर लिए, MA कर लिया, फिर जा करके BED चाहे DLED कुछ हो कर लिए, वो नहीं। BED भी हैं ठीक है, लेकिन इंजीनियर भी हैं और अच्छे जगह से हैं। समझ आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, मेरिट से हुआ है, ऐसा नहीं कि कहीं ऐसे वैसे गए हैं। तो मेहनती हैं, काफ़ी मेहनत किए हुए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी और BTEC वाले को भी पढ़ाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो रीजनिंग वगैरह सब पढ़ाया हुआ चीज़ है, मेरा कोई नया नहीं है। कल ही तो पढ़ाया था क्लास में डैश वाला प्रॉब्लम, बताइए जो अभी क्लास वाला वीडियो देख रहे होंगे तो आपको बताइए कोई प्रॉब्लम हुआ डैश वाला? कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, कोई भी लेवल का, कोई भी चाहे UDC का हो, मतलब कोई भी ग्रुप डी का उठाइए, चाहे आप बैंकिंग का भी उठा लीजिए, चाहे आप SSC का उठा लीजिए, अगर सवाल छूटेगा तो बताइएगा, एको को सवाल छूटेगा है, बताइए। सब लेवल का बता दिए डैश वाला प्रॉब्लम, तो भैया और भी ऐसे बहुत सारे रीजनिंग है, वर्बल हुए चाहे नॉन वर्बल हुए, सब मुझे आता है, सब बेहतरीन देंगे। कुछ सुनने में आया कंप्यूटर से भी क्वेश्चन रहेगा, तो भैया कंप्यूटर का भी तो क्लास किए हुए हैं, हमारे हमारे सेमेस्टर में कंप्यूटर है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो है पहले भी ठीक है, जो परिवर्तन किए गए हैं वो भी बेहतरीन आता है, यकीन नहीं होगा तो पढ़ाएंगे, इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे, देखिएगा वो भी आपको वैसे ही समझ में आएगा जैसा बाकी क्लास मेरा समझ में आया। तो कहीं पर भी घबरा आने की जरूरत नहीं है, जो हमसे जुड़े हुए हैं या आप चाहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला, और ये टेस्ट तो हम 1 साल पहले से ले रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं, तो अब कंप्यूटर पे लेंगे टेस्ट तो क्या दिक्कत है भाई, प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्रामिंग भी करेंगे। समझ में आ रहा है ना, यहाँ किसी और की जरूरतें नहीं पड़ती है, खुद से प्रोग्रामिंग करेंगे, क्वेश्चन डालेंगे, सारा जैसे एग्जाम पैटर्न में पूछा जाता है वैसे ही खुलेगा, टाइमर लगा रहेगा, देखिएगा फटाफट जैसे एग्जाम में आता है वैसे सब सिखाएंगे क्लास में। ये तो ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, क्लास में, तो क्लास में सब सिखाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया, अकेले काफ़ी हैं, बोले ना अकेले काफ़ी हैं। समझ में आ रहा है ना, तो जो भी हमसे पढ़ रहे हैं ना वो ना घबराएं, घबराना उसको है जिसको केवल उतना ही आता है, यहाँ केवल वाला बात नहीं है, यहाँ और सब्जेक्ट आता है। समझ में आ रहा है, इंजीनियरिंग का भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, समझ में आ रहा है, बहुत सारा इंजीनियरिंग का तो और भी बहुत सारा आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो यहाँ समझ में आ रहा है, समझिए ना मेरी भावनाओं को, समझिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जिनको है जिनको टेंशन लेना है लेने दो, यहाँ टेंशन नाम का चीज़ नहीं है। और आपका जो सीटेट है ना, एक ही बार में क्लियर होगा, बहुत बेहतरीन स्कोर से क्लियर होगा, तो समझ लीजिए यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हैं और मुझे आता है वो चीज़, इसलिए मैं बता रहा हूँ मुझे आता है वो चीज़, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना, तो चलिए टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। वो सूचना जो देना था वो तो हम आपको दे ही चुके हैं ऑलरेडी, उसमें देख लिए होंगे वीडियो में, तो घबराएं नहीं, बस यही बोलेंगे, आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, घबराएं नहीं। चलिए टेस्ट के लिए तैयार रहिए, EVS का 10 क्वेश्चन का टेस्ट है, और टेस्ट में है ना देखिए, अभी से लेकर के कल शाम के 6 बजे तक, कल शाम के 6 बजे से पहले, 6 बजे के बाद अगर दीजिएगा, क्योंकि कल का जो लेक्चर का जो वीडियो होगा वो 7 बजे आ जाएगा, अनाउंस किया था 9 बजे, तो आज 9 बजे वीडियो है, लेकिन कल से 7 बजे मिल जाएगा, तो 6 बजे से पहले कमेंट करके एक ही साथ लिख करके भेज दीजिए। समझ में आ रहा है, एक ही साथ लिख करके, और नीचे में अपना नाम भी लिख करके भेज दीजिए, सारा अनाउंस किया जाता है, जैसे पिछले टेस्ट में किया था ना, थिंकिंग लेवल पर प्रश्न था ना, क्या लग रहा है सब बना लेता उस क्वेश्चन को, कि हैं पिछला जो बाल विकास के लिए थे 5 चैप्टर तक का, समझ में आ रहा कितना हाईएस्ट गया था, 10 में 8 गया था ना, आज जितना हाईएस्ट था मेरे क्लासे का था,
अरे समझ में, तो घबराने की जरूरत नहीं। ऑफलाइन क्लास वाला सब बच्चा था जिसको 8-8 नंबर आया था। अब ऐसा तो नहीं है कि उसको मैंने बता दिया था, एक को नहीं बताया था, पूरा थिंकिंग लेवल। हम तो थिंकिंग लेवल पे पढ़ेवे करते हैं, विद्यार्थी से बोलते हैं अरे सोचो सोचो ऐसा होगा तो क्या होगा। वो किताबी वाला रटंत प्रणाली तो मेरे क्लास में है ही नहीं है। वो रटंत प्रणाली से हम बहुत दूर रहते हैं, कंसेप्चुअल बात करते हैं, क्रिएट करते हैं क्वेश्चन। जब आप क्रिएट करना सीख जाएंगे ना, क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे ना, खुद से निर्माण करना, तब आप सफल होंगे जिंदगी में। समझ में आ रहा है? तो एकदम कंसस रहिए, तैयार रहिए। आ रहा नहीं मजा आ रहा तो फिर आइए हमारे क्लास में, बेहतरीन कंसेप्ट देते हैं। बोले तो देते हैं तो देते हैं, जब यूट्यूब पर सिखा सकते हैं तो ऑफलाइन में 2.5 घंटा में क्या लग रहा है, नहीं सिखा पाएंगे। वहाँ तो घोर घोर करके पिला देते हैं। लॉजिक समझते चलिए चलिए। तो अब आप टेस्ट दीजिए और एक ही साथ कमेंट कीजिएगा। कल शाम के 6 बजे से पहले तक कर सकते हैं, 7 बजे वीडियो आएगा, डिस्कशन इसका, और डिटेल डिस्कशन होगा। जैसे किए थे ना पिछला क्लास में, किए थे वीडियो बना करके बाद में फिर से दिए था ना डिटेल चारों ऑप्शन का, तो इसमें भी वैसे ही करेंगे डिटेल डिस्कशन। तो आप टेस्ट दीजिए, कल मिलते हैं डिस्कशन के साथ ठीक शाम के 7 बजे। तब तक टेस्ट दीजिए। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।